आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता संजय सिंह को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सुबह 7 बजे ईडी ने उनके घर पर रेड मारी और अब शाम होने के बाद उनको गिरफ्तार करके यहां से ले गई। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, सर काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता उनके जाने के बाद। नहीं देखिए, कारण क्या है कि ये वो शख्स है जो कि जिसकी आवाज़ संसद में गूंजती है, ये वो शख्स है जिसने जन जन की आवाज़ संसद में पहुंचाई, जिसने माननीय मोदी जी से कटु सवाल किए, जवाब मांगा, मणिपुर के ऊपर जवाब मांगने वाला ही शख्स था संजय सिंह। महिलाओं को नग्न घुमाया गया मणिपुर में, उसके बाद जवाब मांगने वाला था संजय सिंह। दिल्ली की जनता के हक छीने गए, जवाब मांगने वाला था संजय सिंह। पहले आपने उस व्यक्ति को निकाल दिया, आज उस व्यक्ति को आप अरेस्ट कर रहे हैं। ग्राउंड क्या है? यही ईडी ने कहा था कि हमने गलती से उनका नाम ले लिया था चार्जशीट के अंदर। आज कैसे बन गया ग्राउंड आपके पास? आज वो बता रहे हैं दिनेश अरोड़ा वो बन गए हैं, सरकारी गवाह कुछ बन गए हैं। तो ये अच्छा है कि आप चार आदमी को पकड़ लो, उसको मारो पीटो, कान का पर्दा फाड़ दो, दांत तोड़ दो, तुम बोलो कि धमकाओ कि भाई तुम्हारे परिवार के खिलाफ हम ये कर देंगे, तो कोई भी आदमी गिवअप कर देगा कि अच्छा भैया हमको क्या क्या करना है बताओ। अगर ऐसे आदमी को आप हमको दे दो, मैं सीबीआई को चैलेंज करता हूँ, तो वो उसको वो तो मोदी जी का नाम ले लेगा। संजय सिंह का छोड़िए, आप जिसका कहेंगे उसका नाम ले लेगा वो। तो इसलिए इस प्रकार की हरकतों से एक ही चीज़ जाहिर होता है कि 2024 में जो हार होना है भाजपा का, उसका डर सता रहा है, उसी का रिएक्शन है इनका। तो डर सता रहा है सरकार को, उसी का रिएक्शन है। और अभी भी जो है, मैं बाहर अगर दिखाऊं संजय सिंह के घर के बाहर लगातार कार्यकर्ता जो हैं वो बने हुए हैं और एमएलओ के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन जहांगीर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।